हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग तीनों कहीं आने वाले हैं और हम लोग पहुंच भी चुके थे। तो एक्चुअली मैं हम सब आए हुए हैं अपने फादर के नेटिव प्लेस पे, उनके गांव पे, क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल सा घर बनने जा रहा है। तो उसकी पूजन थी और मेरी प्यारी ब्यूटीफुल मॉम कपड़े उठाते हुए, बहुत सारा इंस्पिरेशन मुझे इनसे मिलता है क्योंकि इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है हर चीज़ में और इन वीडियोज़ मेकिंग में भी, तो खासकर तो शी इज़ लाइक आवर इंस्पिरेशन। हम लोग दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं भाई बहन, और अभी हम इस वक्त को बहुत इन्जॉय कर पा रहे हैं क्योंकि सारे भाई बहन सबको हम लोग बहुत दिनों बाद एक संग एक जगह पर हैं और इस वजह से काफ़ी मस्ती हो रही है, लेट नाइट स्लीपिंग हो रही है, जिस वजह से मैंने मॉर्निंग का ब्लॉग आपको नहीं अपडेट कर पाई थी मॉर्निंग में कुछ भी। लाइक लेट नाइट हम लोग 1:30 बजे तक सोए ही थे और आज फिर मॉर्निंग लेट हो गई है। अभी तक हमने लंच नहीं किया जस्ट बिकॉज की ब्रेकफास्ट काफ़ी जो है देर से ही हो गया था और ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था अपम। यही होता है जब आप कहीं आते हो तो, मतलब मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर सकती, जहाँ जा रही हूँ ये लोग आ जा रहे हैं यार, फिर भी मैं आपके संग कनेक्टिविटी बनाए रखूँगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, सो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था अपम। तो अपम की रेसिपी मैंने आप सबके संग शेयर कर रखी है, चटनी की मैंने शेयर नहीं की थी। तो चटनी की रेसिपी मैं इस वीडियो में डाल दे रही हूँ, जैसे आसानी से आप जो है चटनी घर पे बना सकते हैं बिना किसी भी दाम झाम के। तो आप भी जाइए, जाकर अपम बनाइए और आपने उसमें चटनी बनाइए और इन्जॉय करिए। बाकी बहुत सारा नॉइज़ हो रहा है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, लेकिन आप जो है इस वीडियो को देखें। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड बताएं कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। जब मेरे शॉर्ट्स को प्यार देते हो वैसे मेरे ब्लॉग्स को प्यार देती हूँ। हाँ, थोड़ी सी मैं दुखी हूँ क्योंकि सिम्बा मेरे पास नहीं है, बट मैं हमेशा उसके टच में रहती हूँ और इनसे मिलिए। ये है मेरी नीस, मेरी भतीजी, बहुत प्यारी सी भतीजी है मेरी। ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, ये रहा आरफ, इनको बिना ब्लॉग में आए हुए उसका मन भरता ही नहीं है। तो आरफ कैसा मज़ा आ रहा है आपको? हाँ, इसे बहुत मज़ा आ रहा है। तो बेसिकली हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, परफेक्ट कंटेंट के लिए मैं यहाँ हूँ। तो दिस वॉज फॉर टू डेज एंड बाकी सारे अपडेट्स आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स में मिलते रहेंगे। तो मेरे शॉर्ट्स देखें, मेरा भतीजा बहुत प्यारा है, उसका भी एक शॉर्ट मैं शेयर करूँगी अपने साथ, वो भी देखिएगा। और जाकर अपम और अपम की चटनी की रेसिपी ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं कि इससे पहले अपम आपने बनाया था कि नहीं, और अगर बनाया था तो कैसा बना है मेरा वीडियो देखने के बाद। और चटनी की रेसिपी मैंने शेयर की है, उसे ज़रूर 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 जो है देखें और बनाएं और इन्जॉय करें। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, से बाय बाय। रोस्ट हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और आप जा रहे हैं इसमें चने दाल, उसको भी रोस्ट करेंगे। हो गए मेरे रोस्ट और ये नारियल मैंने काट लिए हैं और तो अब हम जाएंगे इसको पीसने। ये चटनी मैंने पीस ली है काफ़ी पहले और इसे तड़का लगाना है। और ये मैंने कढ़ाई में राई और खड़ी मिर्च और कड़ी पत्ता गर्म कर लिया है और इसमें लगाएंगे तड़का पीसी चटनी का। हमारी चटनी रेडी हो गई।